माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ गाइस। एंड गाइस, आप लोगों की दुआ से मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। आज मुझे बात करने में तकलीफ थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी सारी विशेस मैसेजेस, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। एंड आपने मैंने जब लास्ट कलेक्टिव रीडिंग मैंने किया था इसी टॉपिक पर, आप लोगों ने बोला था कि दी आप एक पिक अ कार्ड रीडिंग करो, तो मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग आज लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है? ए से लेकर एम के बीच में अगर आपकी आपके नाम का इनिशियल लेटर है तो आपको आज चूज करना है पाइल वन। अगर एन से लेकर जेड के बीच में आपके नाम का इनिशियल लेटर है तो आपको चूज करना है पाइल टू। कैसी रहेगी आपकी फर्स्ट नाइट आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ जानने के लिए, ठीक है, आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपने चूज कर लिया, चलिए पाइल वन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो पाइल नंबर वन, ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का इनिशियल लेटर है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है चैरियट, कैंसर हो सकते हैं वो। फिर यहाँ पर है टेम्परेंस, फिर यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फिर द फूल, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं साइन भी आपको बताऊंगी एक एक करके। फिर यहाँ पर है जस्टिस। नेक्स्ट यहां पर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द टावर। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। यहां पर आपके जो स्पाउस है उनकी साइन हो सकती है कैंसर, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीस, लियो, सजिटेरियस। ओके, इसी के बीच में हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इसी के बीच में हो सकती है उनकी जो है साइन। कैसी रहेगी आपकी वो स्पेशल नाइट? अगर मैं देखूं यहां पर, आप दोनों उस दिन बिल्कुल न्यू होंगे, ओके, चीजों से बिल्कुल अनजान होंगे, बेखबर होंगे, एंड खास करके आपके जो पर्सन होंगे ये बिल्कुल बेखबर अनजान से होंगे। मतलब इस चीज का शायद इन्हें कोई एक्सपीरियंस या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ओके? एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो रात आप दोनों के लिए बहुत खास होने वाला है। कैसे होगा चीजें मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे और आप इनका इंतजार करती रहोगी या फिर करते रहोगे। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप इनका इंतजार करोगे, ठीक है? ये पर्सन ही अल्टीमेटली आपके पास आएंगे। फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं उस दिन आपकी चाहत बहुत ज्यादा हाई होंगी, ठीक है? ये जैसे ही एंटर करेंगे आप शायद छुप जाओगे शर्मा कर या फिर डर कर, कुछ भी छुप जाओगे आप, थोड़ा सा आप डरोगे। बट ये काफी मैस्कुलाइन होंगे, मतलब काफी हट्टे कट्टे से होंगे अगर आपके बंदे होंगे वो पर्सन, मेल पर्सन होंगे, एंड वो डोमिनेंट करेंगे उस रात आपके ऊपर। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस रात आप दोनों बहुत ही स्मूथली चीजें स्टार्ट होंगी, लाइक बातचीत होगी, थोड़ी सी बैलेंस बनेगी, थोड़ी सी कंफर्टेबल फील होंगे आप एक दूसरे के साथ। बैठकर काफी टाइम तक आप दोनों जस्ट एक दूसरे को देखते रहोगे, बात करते रहोगे, लाइक जैसे कंफर्टेबल हो जाओगे, एक दूसरे को केयर करोगे, जैसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं इंसान, ठीक है? ये होगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी लेग्स को टच कर सकते हैं, आपकी लेग्स इन्हें इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे,
या फिर अगर आप बैठकर अगर बात कर रहे होंगे, ये आपको बस देखते रहे होंगे, निहारते रहे होंगे आप कितने ब्यूटीफुल हो, या आपकी लेग्स को देखेंगे, देखेंगे दैट यू आर लाइक ए क्वीन, वो आपको क्वीन की तरह उस रात ट्रीट करेंगे कि कितनी, ये खुद को किंग समझेंगे और आपको क्वीन समझेंगे और देखेंगे कि आप कितनी खूबसूरत हो, आपकी बॉडी कितनी खूबसूरत है। हो सकता है उसके बाद या आपकी बॉडी पार्ट को टच करना स्टार्ट कर दे, ओके, धीरे धीरे आप मेकआउट की तरफ बढ़ोगे। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होंगे, लाइक कुछ रफ नहीं होगा। एक मतलब जैसे होता है ना, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटेड करना, मतलब बात नहीं सुनना और जो अपना मन किया वो कर लेना, वो ऐसा नहीं होगा। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, टच होगा, जो कुछ होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा। काफ़ी इंटेंस ली आप लोग मेकआउट कर सकते हैं उस रात को, लाइक किसिंग हो गया, कुछ भी हो गया, काफी इंटेंसली होगी, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। एंड बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो फीमेल होंगी, आप होंगे या फिर आपके पार्टनर अगर फीमेल होंगी, बहुत ज्यादा शर्माते हुए मुझे दिख रहे हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा शर्माएंगी, बहुत शर्म आएगी, ओके। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोग इन्वॉल्व होंगे पूरी तरह से एक दूसरे में, हो सकता है उस टाइम आपको आकर कोई डिस्टर्ब करे, ठीक है, एंड खास करके आपके पर्सन को डिस्टर्ब करे। एंड अननोइंगली ये चीजें होगा, जब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे एक दूसरे का साथ, कोई डिस्टर्ब करे, तो ये मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है उस रात आप लोग आउटडोर पे मेकआउट करें, लाइक नॉट इन द रूम, कहीं बाहर जाकर आप दोनों एंगेज हो सकते हैं। अगर कहीं घूमने गए होंगे वहाँ पर, या फिर कहीं अगर पानी होगा तो वहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। तो और एक चीज़ दिख रहा है कि उस रात को फुल्ली जस्टिस मिलेगा आपको एंड आपके पर्सन को, लाइक आप एक दूसरे में खो सी जाओगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको गोद में उठा ले, लाइक एक बच्चों की तरह केयर जो करते हैं उस तरह से गोद में उठा ले, ओके। हो सकता है उस रात अचानक कोई डिस्टर्ब करने की वजह से आप दोनों का मूड भी खराब हो जाए, थोड़े से आप डिस्टर्ब हो जाओ, बट आप दूसरे को ना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे रहेगा। मुझे यहाँ पर उस रात अट्रैक्ट होते हुए आप दोनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हो सकता है कि आप कोई डिस्टर्ब ना करें, आप दोनों कहीं ऐसी जगह चले जाओ कि जहाँ पर कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे, आप दोनों शांति से अपना बात करना हो या फिर मेकआउट करना हो, फिजिकल होना हो, जो भी होना हो आप लोग वहाँ पर करें, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन की आपको लेग्स एंड आपकी बैक, ठीक है, मतलब अगर आप फीमेल हो या फिर आपके पार्टनर फीमेल होगी तो आपको ना उनकी बैक, या फिर अगर आप फीमेल हो तो उनकी आपका बैक बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वो ना आपको बॉडी को जैसे प्रिंसेस को टच करते हैं, लाइक टच मी नॉट प्लांट को जैसे टच करते हैं उस तरह से टच करेंगे, कहीं आप शर्मा ना जाओ, ओके। एंड वो अगर मेल होंगे तो काफ़ी मैस्कुलाइन होंगे, मतलब ऐसा कि हट्टे कट्टे से आप बोल सकते हो ऐसे होंगे, ठीक है। तो ऐसी होगी आपकी फर्स्ट नाइट। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो बेल आइकन प्रेस करके जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले। एंड इसी के साथ आपकी रीडिंग में एंड करती हूँ। बाय गाइस। हाय पाइल नंबर 2, एन से लेकर जेड के बीच में आपके जो है नाम का पहला लेटर है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, एरीज लियो सजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इतने के बीच में आपके पार्टनर का जो है साइन हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कैसी होगी मुझे यहाँ पर जितना दिख रहा है, जिस दिन भी आपका फर्स्ट नाइट होगा उस दिन या तो फुल मून होगा उस दिन, या तो न्यू मून होगा,
ठीक है, मून का इन्फ्लुएंस उस दिन बहुत ज्यादा रहेगा और आप लोगों की एनर्जी उस दिन बहुत ही हाई रहेगी, ठीक है। और एक चीज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उस रात आप दोनों मेकआउट ना करें, जो प्रॉपर जो भी चीजें होती है हो सकता है आप वो ना करें, आप दोनों जस्ट एक दूसरे को कंफर्ट दें, बात करें, एंड फिर भी यहाँ पर मुझे बहुत सारी रोमांटिक सी चीजें दिख रही है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है जब भी उस रात जब आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे, मुझे तो सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए हो सकता है एक रोज का फ्लावर लेकर आए, ठीक है, एंड आपको जैसे फ्लर्ट करते हैं उस तरह एक रोज का फ्लावर देकर आपको उसे फ्लर्ट करे, फ्लर्ट तो नहीं बोलूंगी, एक दूसरे को जानने का थोड़ा सा मौका। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से पहले ही नोन होंगे, जानते होंगे एक दूसरे को, ठीक है, एंड वो आपको फ्लावर दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो मेल होंगे तो। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस दिन बहुत ही हो सकता है आप चीज़ें सोच सोच कर डर रहे होंगे, चीज़ें सोच सोच कर घबरा रहे होंगे, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे इंसान होंगे, मुझसे कैसे बात करेंगे, मुझसे कैसे बिहेव करेंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो इंसान कैसे होंगे, बट जैसे ही वो आएंगे, एंटर करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको फ्लावर ऑफर करेंगे, आपको पता चल जाएगा वो तो बहुत ही एक स्वीट से पर्सन है। आप दोनों की बॉन्डिंग उस रात बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप दोनों बैठकर घंटों बात करोगे, एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझोगे। फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे होता है ना, आप बहुत टाइम तक बैठोगे और वो बहुत टाइम तक आपको निहारते रहेंगे, आपकी खूबसूरती को निहारते रहेंगे। ये पर्सन भी डरते हुए मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये भी खुद डरेंगे कि आप कुछ ना सोचो, अगर ये कुछ स्टार्ट करें, कुछ आपके हाथ पकड़ ले तो आप ना डर जाओ, ठीक है, या फिर आप इन्हें बुरा ना मानो, तो ये बहुत टाइम तक बैठकर ये खुद ही सोच में पड़ जाएंगे। जब तक आप अपने साइड से चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे वो भी स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल जाएगा, हाँ ये इंसान, ये पर्सन चाहता बहुत कुछ है, बट मैं कुछ सोचूंगा या सोचूंगी इसके लिए, ये पर्सन कुछ कर नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आप इनिशिएशन लेना स्टार्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर आप सबसे पहले उन्हें हक करते हुए दिख रहे हो, आप चुप होकर खड़े रहोगे, वो पीछे से बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते होंगे, आप इन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप इनको टच कर सकते हो, आप इन्हें हग कर सकते हो, आप इन्हें अनकंफर्टेबली किस कर सकते हो, उसके बाद चीज़ें कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। फिर यहाँ पर मुझे दिखता है कि उस रात आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हग मुझे दिख रहा है, एक पैशन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक पैशन एनर्जी, और मुझे प्यार भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है उस रात, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में वो प्यार वाला, वो बॉन्डिंग वाली सिचुएशन रहेगी, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मुझे अट्रैक्शन नहीं, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट भी दिख रहा है एक दूसरे के प्रति, रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति, जो है आप दोनों डेडिकेटेड रहोगे, एक दूसरे को सम्मान दोगे, ना ही ओवर पावर करोगे, ना ही डोमिनेंट करोगे। अगर आप दोनों में से किसी का मूड नहीं होगा तो आप अदर पर्सन जो है रेस्पेक्ट करके चुप रहेगा, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उस रात जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे से उस दिन तो सिर्फ मिलना मिलाना ही होगा, एंड उसके बाद मुझे ऐसा दिखता है हाँ उसके अलावा भी चीज़ें होंगी, बहुत ही हाई लेवल पर नहीं हो सकती, बट यस कुछ कुछ चीज़ें तो होंगी। उस रात जैसे आप लोग कुछ करो ना करो ये अलग बात है, उस रात आप एक दूसरे को अच्छे से जान जाओगे, एक दूसरे को अच्छे से समझ जाओगे, आप जो है इतना ज़्यादा उन्हें कंफर्टेबल फील कराओगे कि वो आपके सामने बिल्कुल ओपन हो जाएंगे। हो सकता है वो आपकी नेक को बाइट करें या फिर किस करें, ये उनकी थोड़ी सी फैंटेसी है, या फिर आपको आपके आपको टच करें ये उनकी फैंटेसी रहेगी, या आपको थोड़ी सी टच करें कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, बट यस वो आपको कंपेयर करेंगे विद द फ्लावर कि फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है एंड तुम भी कितने ब्यूटीफुल हो, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी बालों के साथ, हेयर्स के साथ खेल सकते हैं उस रात, ठीक है, एंड आप जो है
एंजॉय करोगी चीजें। हो सकता है आपकी अगर ब्राउन हेयर्स है ना, ब्लैक नहीं, अगर कोई लड़की हो आप और आपके बाल काफी लंबे लंबे मुझे दिख रहे हैं और ब्राउन हेयर दिख रहे हैं, तो ये पर्सन वो ब्राउन हेयर को ये बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई हार्ट ब्रोकन भी होगा। हो सकता है आपके पर्सन हो, आप हो, किसी के दिल ऑलरेडी टूटा हुआ होगा। एंड ये हो सकता है 50% लोगों के लिए अरेंज मैरिज और 50% लोगों के लिए लव मैरिज। ओके, जिन लोगों का अरेंज मैरिज होगा, मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं उस रात आप आपके पर्सन को याद करोगे, बट जब इस पर्सन को आप मिलोगे तो आप आपके पर्सन को भूल जाओगे, क्योंकि इनमें आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन दिखेगा, एक ऐसा पर्सन दिखेगा जो आपको संभाल सकेगा, तो आप उस दिन भूल जाओगे उस इंसान को, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी को फ्रूट्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपकी लेग्स इतने ज़्यादा लंबे होंगे कि आप क्या करोगे, लेग्स से उनको बिल्कुल अट्रैक्ट कर दोगे। ओके, अगर वो मेल होंगे तो ऐसे मुझे मैस्कुलाइन मेल तो नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं काफ़ी स्वीट से, सॉफ्ट से मेल होंगे, और बहुत ही कम अगर मैस्कुलाइन होंगे भी तो अपना पावर जो है वो शो नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वीट से रहेंगे आपके साथ उस रात, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।